सोलन के धर्मपुर में स्थित एक घर में उस समय चोरी हुई जब घर के लोग घर के कार्य से बाजार गए हुए थे। जब घर के लोग वापस आए तो उन्होंने दरवाजे के ताले टूटे पाए। जब घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने घर की हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर साफ प्रतीत हो रहा था कि घर में चोरी का काम को अंजाम दिया गया है। जब सामान की जांच की गई तो पाया गया कि लाखों के आभूषण और नकदी घर से गायब है। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि चोरों ने धर्मपुर में घर को निशाना बनाया, जिसमें चोर घर से करीब 10 लाख की नकदी और करीब 10 लाख के आभूषण चुरा ले गए हैं। उन्होंने बताया कि इस चोरी को तब अंजाम दिया गया जब घर पर कोई नहीं था। फिलहाल पुलिस इस घटना पर मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। मोहन बावड़ी सबाथू रोड पुलिस स्टेशन धर्मपुर के रहने वाले ईश्वर दत्त गर्ग ने पुलिस स्टेशन धर्मपुर में शिकायत दर्ज करवाई कि जब ये अपने घर से कुछ दूरी पर एक जिम में गए थे और इनके परिवार के सदस्य भी आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो किसी अनजान व्यक्ति ने इनके घर का ताला तोड़ा और इनके घर से कुछ पैसे व जेवरात चोरी कर लिए। इस मामले में धर्मपुर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया है। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में 6 लाख कैश व 4 लाख की ज्वेलरी का हवाला दिया है, जिसकी वेरिफिकेशन अभी चल रही है और छानबीन जारी है। पुलिस टीम अभी स्पॉट पर ही है और फॉरेंसिक टीम भी इस स्पॉट को विजिट करेगी और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो भी आगामी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।